हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वेक्टर चैनल। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं भाई पाल वर्ल्ड। और गाइस आज की वीडियो में हम अभी तक की अपनी पाल वर्ल्ड की जर्नी में सबसे खतरनाक चीज करने वाले हैं, और वो क्या चीज है आज जो है ना, हम भाई पाल वर्ल्ड की जर्नी में दूसरी बार भाई डंजन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई हमने डंजन को ही अपनी पाल वर्ल्ड की जर्नी में सबसे कम जो है ना एक्सप्लोर करा है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो में मजा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए, तो ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारा फाइनली गेम स्टार्ट हो गया है। और भाई अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, क्योंकि भाई पिछली वीडियो में ना हम जब टावर के अंदर गए थे ना, तो उस पोकेमोन से लड़ते लड़ते ना हमारा आजुरो भाई पूरा मर गया था। तो मैंने उसको जो है ना पाल बॉक्स के अंदर रख दिया था ताकि वो रिकवर हो जाए। तो आइए चलते हैं और भाई जो है ना अपने आजुरो को जो है ना पाल बॉक्स उठा के अपनी लिस्ट में रख लेते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा आजुरो, तो इसे उठाते हैं। और भाई इसको हमने यहाँ पर रख दिया है, और सारे के सारे हमारे पोकेमोन सब के सब ठीक है बिल्कुल। और पिछली वीडियो में ना हम गाइज बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे सारे जो भी आर्मर से ना वो सब के सब जो है ना डैमेज हो गए थे। तो चलते हैं और अपनी सारी की सारी चीजों को ना रिपेयर करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे जो है ना अपने हैंडगन को भी रिपेयर करना है, बट उसके लिए हमें हाई क्वालिटी पाल ऑल चाहिए होगा। उसे हम जाकर ढूंढ कर लाते हैं और फिर जो है ना अपने हैंडगन को अपग्रेड करते हैं। और तो सब हमारी चीजें जो है ना सबकी सब रिपेयर है फुल्ली, बस हमारी जो है ना एक हैंडगन ये रह गई है। तो हमें जाकर ना भाई ऑयल लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उसे जो है ना अपग्रेड कर पाएंगे। तो चलते हैं और उस वाले पोकेमोन को ढूंढते हैं गाइस, जिसे मारने के बाद हमें जो है ना पाल ऑयल मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे वो पोकेमोन नहीं दिख रहा है, तो शायद से भाई वो पीछे की तरफ हमें मिल जाए। तो गाइज आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमें भाई वो पोकेमोन जो है ना मिलकर ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। वरना भाई वो एक ही बारे में ना हमें मिल जाते थे दो या तीन, बट आज पता नहीं कहाँ ही चले गए सारे के सारे पोकेमोन। तो ठीक है गाइज, एक तो पोकेमोन मुझे दिख गया है, तो इसे जाके मारते हैं पूरा का पूरा। वैसे हमें दो पोकेमोन की जरूरत थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक और मिल जाएगा हमें बाद में, बट पहले जो है ना इसको पूरा मार देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मार दिया, तो हमें जो है ना एक पाल ऑयल मिल गया है, बट यार हमें जो है ना एक और पोकेमोन की जरूरत है कसम से यार। तो एक बार ना घर की तरफ चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना घर की तरफ मिल सकते हैं हमें। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ दोबारा, शायद से हमें जो है ना यहाँ पर वो पोकेमोन्स मिल सकते हैं भाई, क्योंकि ये वाले जो पोकेमोन्स है ना वो ज्यादातर ना इसी एरिया में हमें मिलते हैं और आगे नहीं मिलते हैं वो हमें। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर आया जाए और उन्हें भाई कैप्चर करा जाए। तो ठीक है गाइज, मुझे आई थिंक ये दिख गए, जैसे कि मैंने कहा था ये इसी एरिया में हमें मिलते हैं। तो जल्दी से इन्हें मारते हैं भाई, और इनसे ना दोनों के दोनों जो ऑयल है ना वो लेकर चलते हैं और अपनी हैंड गन को जो है ना रिकवर करते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे भाई दो तीन और से फाइट हो गई है, एक इन बंदों से और एक दो ये नए पोकेमोन से, इनसे भी फाइट हो गई है। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, इसे जो है ना डियर देख लेगा। तो ठीक है गाइज, हम घर पर आ गए हैं, तो अब जो है ना अपनी हैंड गन को भी भाई रिपेयर कर लेते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पर हमारी हैंड गन जो है ना फुल्ली भाई रिपेयर हो गई है, बट भाई अब जो है ना हमारे बस एक चीज की कमी रह गई है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो है ना भाई सल्फर की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो हमें जो है ना सल्फर ढूंढकर लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना सल्फर के ना हम भाई गन पाउडर नहीं बना सकते, और बिना गन पाउडर के भाई हम एमओज नहीं बना सकते। तो हमारे पास जो है ना एमओ बहुत ही ज्यादा कम है इस टाइम पर, क्योंकि डंजन के अंदर हम जा रहे हैं और भाई हमें जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है ना एमओ लेकर जानी पड़ेगी अपने साथ। तो जैसे कि हमें पता है सल्फर कहां पर मिलेगा, तो चलते भाई उसी जगह पर और जाकर जो है ना सल्फर को लेकर आते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो भाई मैं उसी जगह पर आ गया हूँ। भाई यहाँ पर जो है ना वाटर वाले पोकेमोन इतने ज्यादा होते हैं ना कि अगर ये सबके सब मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर देना तो मैं बचूंगा नहीं। तो ठीक है गाइज, ये रहा गाइज सल्फर। तो ठीक है गाइज, भाई मैं वहां से ना भाग कर आ गया हूँ, क्योंकि वहां पर ना इतने ज्यादा पोकेमोन आ गए थे कि सबके सब ना मेरे ऊपर अटैक करने लग गए थे। तो अगर हम वहां पर थोड़ी देर भी रुकते ना तो हमारा गेम ओवर था। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पर एक और भाई सल्फर है। तो ठीक है गाइज, हम भाई घर पर आ गए, और मैं भाई मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही जो है ना सल्फर कलेक्ट कर पाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी चलते हैं भाई, और जो है ना गन पाउडर को बनने के लिए छोड़ देते हैं। जितने गन पाउडर बनेंगे ना उतने ज्यादा हमारे जो है ना एमओस बन पाएंगी। तो ठीक है, तो तुम देख सकते हो अभी यहाँ पर ना फिलहाल सिर्फ भाई 6 ही गन पाउडर बन पाएंगे हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज हमें और भी ज्यादा जो है ना गन पाउडर बनाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जो है ना चारकोल को बनाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे भाई सल्फर है फिलहाल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चारकोल को बनने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर, और चारकोल बनने के बाद ना तो तुम देख सकते हो, एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो सल्फर तो हमारे पास भाई 34 है, बट चारकोल भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो चारकोल को बनने देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम भाई एमओस को बनने के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं भाई डंजन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे ना कुछ एग जो है ना हैच हो गए, तो इन्हें देख लेते हैं भाई कौन से इसमें से जो है ना पोकेमोन्स निकलते हैं। ठीक है गाइज, इसमें से भाई ये अच्छा पोकेमोन मिला है, क्योंकि ये वाला जो पोकेमोन है ना, जब हम स्टार्टिंग में भाई डंजन के अंदर गए थे ना, तो वहां पर मुझे
वाला पोकेमोन मिला था। ठीक है गाइज, इन वाले के अंदर देखते हैं कौन से पोकेमोन निकलते हैं। तो सही है भाई, दोनों के अंदर ना बिल्कुल टट्टी पोकेमोन निकले हैं, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। एंड आई थिंक मेरे पास ना एक और रहेगा, तो इसे रख देते हैं यहाँ पर, तो इसमें से भी अच्छा नहीं निकलने वाला। तो बाकी के सामान को ना अपने चेस्ट के अंदर रखते हैं और चारकोल का बनने का इंतजार करते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर जो है ना हमारी सारी की सारी चीजें भाई कंप्लीट हो गई है और एमओज भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। तो चलते हैं भाई डंजन के अंदर और मैं दिखाता हूँ मैं कौन से डंजन की बात कर रहा हूँ। तो गाइज जिस डंजन की मैं बात कर रहा हूँ भाई, वो है उस जगह पर, और मैं इस वाली डंजन के अंदर इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि देखते हैं इसके अंदर हमें कौन सा पोकेमोन मिल सकता है, क्योंकि हमारी लेवल ना बहुत ही ज्यादा है इस वाले डंजन के अंदर जाने के लिए, और शायद से हमारे लिए ना बहुत ही ज्यादा ईजी रहेगा अंदर भाई और पोकेमोन से लड़ने के लिए। तो ठीक है गाइज, ये रही भाई वो डंजन जिसकी मैं बात कर रहा था इतनी देर से। तो देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक डंजन ये लग रही है। तो चलते हैं भाई इसके अंदर और देखते हैं हमें अंदर कौन से पोकेमोन मिल सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मैं इस डंजन के अंदर आ गया और भाई मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ओ शिट भाई, यहाँ पर जो है ना पहले तो इनसे हमें लड़ना पड़ेगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डंजन के अंदर हम पहले तो आए थे, बट अभी तक ना हमने डंजन के किसी बॉस को मारा नहीं है, मतलब बॉस को मतलब बॉस पोकेमोन को नहीं मारा है हमने अभी तक किसी को भी। और यहाँ पर पता नहीं इसका क्या काम है, तो उठा लेते हैं सारी चीजें। तो गाइज हमें ना अंदर देख कर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई हम यहाँ पर ना रास्ता भटक सकते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ भाई सीधा सीधा जाना है और इधर उधर जगह पर नहीं जाना है, तो तभी हम जो है ना अपने वापस आ पाएंगे। और यहाँ पर जो है ना नया पोकेमोन है, तो इसके ऊपर भाई मैं किस तरीके से अटैक करूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा मर जाएगा और मैंने इसके ऊपर जो है ना पास से अटैक कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर सही है, तो इसके ऊपर जो है ना पल्स फेयर फेंकते हैं। ओ शिट भाई, मैंने गीगा पल्स फेयर फेंक दिया यार, तो हम जो है ना मेगा पल्स फेयर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये पोकेमोन मैंने पहले ही पकड़ रखा था, बट अच्छी एक्सपी इसने मुझे दी है, तो अच्छा है भाई। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई नया पोकेमोन एक और है, तो ठीक है, तो इसको भी भाई जो है ना कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर गाइस तुम देख सकते हो भाई यहाँ पर ना एक और रास्ता है, एक इस साइड में और एक सामने की तरफ, तो हम सिर्फ भाई सीधा सीधा जाएंगे और कहीं पर नहीं जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है ना नया पोकेमोन पकड़ा है, तो सही है डंजन के अंदर आने का हमें कुछ तो फायदा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है ना सीधा सीधा जाना है बस, और कहीं पर नहीं जाना, क्योंकि एक बार हम बॉस से फाइट कर लेंगे ना तो उसके बाद चाहे हम जो है ना इधर उधर चले जाएं, बट वरना हम भटक जाएंगे भाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सामने की तरफ बोरा भाई चिकी पिकी उसका नाम है, तो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है उससे लड़ना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12 लेवल का है वो। मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो है ना इसको मार लिया जाए जो इसके साथी हैं, उसके बाद जो है ना उससे निपटेंगे हम। तो सही है, तो बेचारा भाई बहुत ही ज्यादा हलवा है हमारे लिए, तो इसको ना पर कैप्चर कर लेंगे यार, है ना। तो करते हैं इसको कैप्चर, देखते हैं कितनी एक्सपी हमें मिल पाती है। तो भाई मैंने नहीं सोचा था इस डंजन के अंदर भाई हमें इतना हलवा वाला भाई पोकेमोन मिलेगा। तो सही है गाइज, हमने इसको पकड़ लिया है। तो सामने की तरफ भाई कुछ चीज है, तो देखते हैं इसमें से हमें क्या मिल सकता है गाइज। ओके ठीक है गाइज, तो ओके तो लीव डंजन हम कर सकते हैं, बट नहीं मैं उस साइड में जाना चाहता हूँ जो मतलब पीछे की तरफ एक और रास्ता था ना, तो वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो डियर को बुलाते हैं और चलते हैं उस तरफ। तो भाई मुझे नहीं पता था कि यार यहाँ पर ना मुझे इतना हलवा वाला जो है ना पोकेमोन मिलेगा, मैं सोच रहा था कि कोई तगड़ा पोकेमोन मिलेगा, तो हमें ना किसी और डंजन के अंदर जाना पड़ेगा गाइज। तो ठीक है गाइज, हम इस साइड आ गए और चलते हैं भाई सामने की तरफ। ठीक है गाइज, यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ सही नहीं लग रही है कि ये जगह भाई बिल्कुल ही अलग है, तो अपने ना किसी अच्छे पोकेमोन को सिलेक्ट करके रखते हैं ताकि अगर यहाँ पे कुछ फाइट होने लगे ना तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ठीक है, यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं पता इनका भी काम क्या है, बट मैं ना इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता भाई कब हमें इनकी जो है ना ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ तो भाई एक भी पोकेमोन नहीं है कसम से, मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर कोई पोकेमोन मिल जाएगा मुझे। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर ना भाई एक भी पोकेमोन नहीं है, तो चलते हैं भाई वापस और भाई उसी जगह से जो है ना लीव डंजन कर देते हैं। तो गाइज आज ना मेरा सच में यार दिल दुख गया है, मतलब मैं ना भाई बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लेकर आया था और भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि पता नहीं कौन सा पोकेमोन इसके अंदर मिलेगा, और मैं सोच रहा था कि भाई टक्कर की फाइट होगी, बट भाई आज ना मतलब इतना अच्छा काम नहीं हो पाया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इस डंजन के अंदर से ना पहले बाहर निकलते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। तो ठीक है गाइज, हम भाई डंजन के बाहर आ गए हैं और भाई मैं सोच रहा हूँ कि हम ना भाई पहले वाले डंजन के अंदर जाएंगे जहाँ पर ना बहुत ही खतरनाक एक पोकेमोन था जिससे हम डरकर आ गए थे, बट भाई आज नहीं जाएंगे, आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया भाई जाकर इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।